ओके ओके नाउ दिस इज अ वेरी सिंपल प्रोसेस एवरी रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन यूजुअली प्रिस्क्राइब्स अ वे टू चेंज इट अमेंडमेंट उसके अंदर कैसे करनी चाहिए संशोधन कैसे करना चाहिए उसका प्रोसेस कॉन्स्टिट्यूशन खुद ही मेंशन कर देता है विच इज़ लॉजिकल वाई क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन बनता तो एक समय में है बट देन इट अप्लाइज टू डिफरेंट टाइम्स ऑल्सो अब अंस्टिट्यूशन वॉज मेड इन नाइनटीन हंड्रेड फिफ्टी बट इट अपलाइज इन टू थाउजेंड ट्वेंटी थ्री ऑल्सो सो द कॉन्टीट्यूशन मेकर एक्चुअली फिगर् वी ऑल्सो ऑब्वियसली विल हैव टू गिव सम वेज टू चेंज इट इफ नेसेसरी टाइम चेंज हो जाता है वैन द कॉन्स्टिट्यूशन वॉज मेड दर वॉज नो इंटरनेट देर वज नो सेलफोन्स अब जो इंटरनेट से रेलेटेड प्राइवेसी लॉ हैं सेल फोन से रिलेटेड कुछ लॉज बनाने हो तो हाउ आर वी गोइंग टू डू इट सो so, जैसे जैसे समय बदलता है जैसे जैसे चेंजेस जैसे जैसे टाइम बदलता है तो हमें कुछ ना कुछ चेंज करने की जरूरत पड़ सकती है सो लाइक ऑल अदर रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो भी प्रोसेस और पावर इस कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने की क्या होती है वो बेसिकली हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर दी हुई है ये जो प्रोसीजर है कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज करने का जैसे कि हमने फंडामेंटल राइट्स पढ़े हैं राइट वी डिड वी डिड वी हैव कंप्लीटेड इट हमने फंड पार्ट थ्री पूरा का पूरा पढ़ लिया बट व्हाट इफ यू वांट टू चेंज इट वन डे एंड वी हैव चेंज इट सेवरल टाइम्स लाइक हमने आर्टिकल ट्वेंटी वन एड किया उसके अंदर राइट टू एजुकेशन वो पहले नहीं था अब चेंज किया है so, चेंज करने का प्रोसेस कहाँ पे लिखा हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर यूएस कॉन्स्टिट्यूशन जो चेंज करने का प्रोसेस है वो थोड़ा सा डिफिकल्ट है मैं रिलेटिवली एंड यूके का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसको चेंज करने का जो प्रोसेस है वो थोड़ा सा ईजी है और हमारे यहाँ पर एक बेसिकली समीकरण है समीकरण इन द सेंस कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ चेंजेस करोगे वो बड़ी आसान से हो जाते हैं सिंपल है बड़ा मतलब यू कैन डू इट वेरी इजिल एंड देन देर आर सम कॉन्स्टिट्यशन विच एस स्लाइटली डिफिकल्ट टू डू ये हम आज प्रोसेस करेंगे अंडरस्टैंड करेंगे कॉन्स्टिट्यूशन हमारा अलग अलग पार्टस में डिवाइडेड है राइट सो पार्ट ट्वेंटी राइट ट्वेंटी ये एक्स एक्स वाला इसके अंदर एक सिंगल आर्टिकल है इज कॉल्ड द द आर्टिकल 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 368, 368, article 368, 368 नंबर और ये 368 के अंदर प्रोसेस दिया गया है पार्ट 20 के कॉन्स्टिट्यूशन के कि पार्लियामेंट की पावर को कैसे मतलब पार्लियामेंट के पास कौन कौन सी पावर है कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने की और वो कैसे कर सकते हैं नाउ इस आर्टिकल के अंदर लिखा गया है कि पार्लियामेंट इन एक्सरसाइज ऑफ इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट पावर मतलब पार्लियामेंट के पास दो पावर है एक तो लेजिस्लेटिव पावर यानी कि लॉ बनाने की पावर है दूसरा कॉन्स्टिट्यूएंट पावर यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज करने की पावर ये स्लाइटली से डिफरेंट है लेजिस्लेटिव पावर से पार्लियामेंट के पास दो पावर है याद रखना इंपॉर्टेंट वाली बात कि वो कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कर सकता है एडिशन से वेरिएशन से और रिपील से मतलब कि एड करना भी चेंज हुआ उसमें से कुछ हटाना भी चेंज हुआ और उसमें से कुछ चेंज करना भी एक प्रकार से चेंज हुआ बट बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज नहीं कर सकता है। मतलब पार्लियामेंट चेंज कर सकता है सब कुछ कॉन्स्टिट्यूशन में बट ऐसा चेंज होना चाहिए बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन केम इन सुप्रीम कोर्ट केस एंड दैट केस इज पॉपुलरली कॉर्डेज द केशव नंद भारती केस इट हैपन इन नाइनटीन आज का जो हमारा एजेंडा है बेसिकली इस पूरी चीज को डिटेल में पढ़ना है कि आर्टिकल थ्री है क्या 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 पावर है पार्लियामेंट के पास चीजों को अमेंड करने की एक्चुअली में चीजों को नहीं कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने की एंड सेकंड व्हाट इज द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बोथ ऑफ दीज थिंग्स आर एप्सलूटली रिलेटेड टू इच अदर नाउ बिफोर वी रीड द थिंग्स इन द डिटेल दिस इज वट द आर्टिकल नंबर थ्री लुक्स लाइक आर्टिकल नंबर थ्री कहता है कि पावर ऑफ पार्लियामेंट टू अमेंड कॉन्स्टिट्यूशन एंड प्रोसीजर डेयर तो ये एग्जैक्ट मतलब दिस इज हाउ द कॉन्स्टिट्यूशन इज ये इसमें मैं एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूं मैं आपको बेयर एक्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन दिखा रहा हूं उसके बाद उसमें प्रोविजन वन है फिर प्रोविजन टू है और फिर प्रोविजन थ्री है तीन प्रोविजन आर्टिकल नंबर थ्री हंड्रेड सिक्स के अंदर पहला कहता है कि नॉट विदस्टैंडिंग एनीथिंग इन दी कॉन्स्टिट्यूशन पार्लियामेंट अपनी कॉन्स्टिट्यूएंट पावर की एक्सरसाइज करने से कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कर सकता है अलग अलग तीन तरीके बताए कि ऐड कुछ करना चाहे कर दे किसी चीज को वेरिएशन करना चाहता है, कर सकता है, रिपील, अगर कुछ हटाना चाहता है तो वो भी कर सकता है पार्लियामेंट कैन चेंज एनीथिंग इन द कॉन्स्टिट्यूशन अगर वो ये वाला प्रोसेस फॉलो करता है जो कि इसमें दिया हुआ है एंड देन आर्टिकल नंबर टू टेल्स द प्रोसेस क्या प्रोसेस है कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने के लिए

चीजें बस सुनने के लिए बाकी बचेंगी अब ध्यान से सुनना आर्टिकल नंबर 368 जब बना था 1950 में तो उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ प्रोविजन नंबर टू था कौन से वाला ये वाला दिस वाज इट सिर्फ इतना ही था ओके okay, इसके अलावा इसके अंदर कुछ भी नहीं था इसमें प्रोसेस दे रखा था कि कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कैसे करना है बट देन देर इज समथिंग एल्स ये ओरिजिनल टेक्स्ट है आर्टिकल नंबर 368.2 में नाउ बात सुनिएगा 368 1 और 3 का क्या हुआ था जो ये 1 वाला पॉइंट था और जो ये थर्ड वाला पॉइंट था ये 24th अमेंडमेंट ऑफ 1971 ने अमेंड किया था नाउ बात ध्यान से सुनिए हुआ क्या है थोड़ी सी बेसिक सुप्रीम कोर्ट ने 1967 में गोलकनाथ केस के अंदर ये बात कही थी कि पार्लियामेंट फंडामेंटल राइट्स को अमेंड नहीं कर सकता This. Okay. So, 1967 के बाद पार्लियामेंट से फंडामेंटल राइट्स को अमेंड करने की पावर ले ली गई थी नाउ एज अ रिएक्शन टू दैट एज अ रिएक्शन टू दैट व्हाट गवर्नमेंट डिड इज दैट कि गवर्नमेंट ने ट्वेंटी में गवर्नमेंट एज इन सॉरी पार्लियामेंट ने कॉन्स्टिट्यूशन में ट्वेंटी और दो प्रोविजन एड कर दिए प्रोविजन और प्रोविजन थ्री अब ये प्रोविजन और प्रोविजन थ्री का पर्पज क्या है टू गेन दावर टू अमेंड फंडामेंटल राइट सो देखो नंबर वन क्या कहता है इस कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा कुछ भी नहीं है जो कि मुझे इस कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने से रोक सके चाहे मैं ऐड करूं चाहे वेरिएट चाहे रिपील नंबर वन ये कह रहा है so, मतलब कि कॉन्स्टिट्यूशन इस बात को क्लैरिफाई uh, uh, कर रहा है कि पार्लियामेंट कैन अमेंड एनीथिंग अगर हमने सेकेंड प्रोसेस फॉलो किया है तो एंड थर्ड वाला कह रहा है कि नथिंग इन आर्टिकल थ्री थर्टीन शैल अप्लाई टू एनी अमेंडमेंट मेड अंडर दिस आर्टिकल नाउ व्हाई वाई फंडामेंटल राइट्स आर नॉन अमेंडेबल रीजन बीइंग कि आर्टिकल नंबर थर्टीन का पॉइंट थ्री और टू थर्टीन का पॉइंट थ्री ओ टू कहता है कि कॉन्स्टिट्यूशन बनने के बाद पार्लियामेंट कैन नॉट मेक एनी लॉ जो कि फंडामेंटल को राइटलेट करे दिस दिस एंड नाउ वेपीकल थ्री सिक्सटी एट का थ्री अगर हम ये लिख देते हैं कॉन्स्टिट्यूशन में जो कि लिखा गया है चौबीसवें अमेंडमेंट के बाद ये स्ट्रेस कर रहा है कि आर्टिकल थर्टीन की चीज थ्री सिक्सटी एट पर अप्लाई नहीं होनी चाहिए रिजल्ट क्या हुआ देखो मैं फिर से बताता हूँ तो। पहले हमें आर्टिकल थर्टीन वन पॉइंट टू और पॉइंट थ्री इनके बारे में एक बार सोचते हैं आर्टिकल थर्टीन वन इज वेरी क्लियर इट दैट कि कॉन्स्टिट्यूशन से पहले कोई भी चीज जो uh, uh, कोई भी लॉ था अगर वो फंडामेंटल राइट्स को वायलेट करता है तो उसको कर दोगे आई थिंक वी आर सेफ वी आर गुड इज नो डिस्टिंग आर्टिकल टू कहता है कि कॉन्स्टिट्यूशन बनने के बाद अगर कोई लॉ बनता है जो कि फंडामेंटल राइट्स को वायलेट करता है तो उसको कोर्ट वॉइड कर देगी ठीक है जुडिशियल रिव्यू इंट्रोड्यूस कर देता है और कॉन्स्टिट्यूशन बनने के बाद कुछ वॉइड नहीं होना चाहिए ठीक है लॉ क्वेश्चन तो वो आर्टिकल करता है अब लॉ सब कुछ है पार्लियामेंट जो पास करता है स्टेट लेजिस्लेचरल तो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट भी लॉ बन गया नाइनटीन हंड्रेड सिक्स का गोलकनाथ केस गोलकनाथ केस गोलकनाथ केस कहता है कि फंडामेंटल राइट्स को अमेंड नहीं किया जा सकता तो हाउ डू पार्लियामेंट बीट दैट पार्लियामेंट बीट दैट बाय पासिंग अमेंडमेंट और उन्होंने क्या किया बाई पास में तो ऐड लिख दिया कि पार्लियामेंट के पास सारी पावर है कुछ भी अमेंड करने की ठीक है फर्स्ट थिंग एंड देन उसके बाद वो इस पॉइंट को डायल्यूट करना चाहते हैं थर्टीन पॉइंट थ्री को सो दे एड थ्री सिक्सटी एट पॉइंट थ्री वेयर दिस की आर्टिकल थर्टीन के अंदर र्टिकल थर्टीन यहां पर अप्लाई नहीं होगा मतलब की वैन वी आर गोइंग टू यूज थ्री सिक्सटी एट टू अमेंड समल थर्टीन वु नॉट अपलाई विच मीन कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट शेल नॉट बी ट्रीटेड एज ए लॉ शेल नॉट बी ट्रीटेड एज अ लॉ इन दर्टीन पॉइंट थ्री मतलब इट इज लॉ इट इज लॉ बट थर्टीन पॉइंट थ्री के कॉन्टेक्स में नहीं है विच मीन की इफ ए फंडामेंटल राइट इज वॉयलेटेड स्टिट्यूशन by अमेंडमेंट by तो वो अलाउड है थी थर्टी थ्री पॉइंट थ्री की यह कहानी है ठीक है अब हुआ क्या चीज जो चौबीसवीं अमेंडमेंट थी चैलेंज हो गई और केशवनंद भारती केस में चली गई तो केशवनंद भारती केस में सुप्रीम कोर्ट ने इन दोनों अमेंडमेंट को वैलिड कर दिया कि यह थ्री सिक्सटी एट वन वैलिड है और ये थ्री सिक्सटी एट थ्री ये भी वैलिड है. है? दोनों दोनों है लेकिन केशवनंद भारती केस में सुप्रीम कोर्ट ने एक नई चीज बोली बोला इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन दिस इज वॉट इट नाउ रिमेंबर बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन को नहीं चेंज कर सकते इस चीज को दोबारा से डायल्यूट करने के लिए फोर्टी सेकेंड अमेंडमेंट की गई और पार्लियामेंट ने नया एड किया थ्री सिक्सटी एट फोर और फाइव जो कि बेसिक स्ट्रक्चर से भी ज्यादा पावर लेने की कोशिश थी हावेवर ये वाली जो दोनों है इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया बाद तो तो डाउट होगा तो निकल जाएगा तो हम अमेंडमेंट का प्रोसीजर देखते हैं सिंपल वाला जो 368, 2 में है। है? कि आर्टिकल नंबर थ्री सिक्स टू में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन गोइंग टू डू इट सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूशन में अगर अमेंडमेंट करनी है तो वो एक बिल से की जा सकती है और वो बिल दोनों हाउसेज लोकसभा चाहे, चाहे राज्यसभा कहीं पर भी इंट्रोड्यूस किया जा सकता है बाय द इंट्रोडक्शन ऑफ अ बिल फॉर purpose इन ईदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट बट नॉट इन द स्टेट लेजिस्लेचर तो स्टेट्स नहीं कर सकती हैं सिर्फ और सिर्फ पार्लियामेंट कर सकता है तो पहली बात क्लियर हो गई ठीक है डन द बिल कैन बी इंट्रोड्यूस ईदर बायिस्टर और बायट मेंिक्वायर दायर ऑफ द प्रेजिडेंट एनी who is in the parliament can actually initiate it initiate a constitutional amendment but remember ye sirf ek condition hai technically constitutional amendment bill sirf aur sirf minister hi introduce karte hain unhi ke dwara introduce kiya hua constitutional amendment pass ho sakta hai private member ka generally pass nahi hoga theek hai ye matlab but but लॉजी एग्जाम uh, के perspective से सोचो तो कोई भी private member भी basically opposition कि अपोजिशन वाले भी अगर चाहें तो बेसिकली बिल इंट्रोड्यूस कर सकते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के लिए ठीक है बिल मस्ट बी पासड इन ईच हाउस बाई स्पेशल मेजोरिटी दोनों हाउस में से कहीं से भी बिगिन कर लो चाहे लोकसभा में इंट्रोड्यूस कर दो चाहे राज्यसभा में चाहे राज्यसभा में कर लो फिर लोकसभा में भेज दो दोनों में कहीं से भी स्टार्ट करो लेकिन बिल उस हाउस में पास होना चाहिए स्पेशल मेजोरिटी से स्पेशल मेजोरिटी क्या होती है मेजोरिटी ऑफ द मेंबरशिप ऑफ द टोटल हाउस एंड अ मेजोरिटी ऑफ द टू थर्ड ऑफ द मेंबर ऑफ द हाउस प्रेजेंट एंड वोटिंग एग्जाम्पल के तौर पे हम अंडरस्टैंड करते हैं कि जैसे हमारी लोकसभा में 543 मेंबर तिरतालीस 543, ठीक है तो दो कंडीशन मीट होनी चाहिए सबसे पहले

उसका भी टू बाई थर्ड नंबर होना चाहिए जैसे जैसे कि अगर सपोज करो कि उस दिन सिर्फ तीन सौ लोग आए थे थ्री हंड्रेड लोग है टू हंड्रेड से ज्यादा लोगों को वोटिंग करनी पड़ेगी लेकिन अब देखो यहां पर टू हंड्रेड ने कर दी अब एक कंडीशन मीट हो गई कि टू बाई थर्ड लोग आए हैं और टू बाई थर्ड जो प्रेजेंट और वोटिंग है उन्होंने यस कर दिया बट एक कंडीशन रह गई मेजोरिटी ऑफ द हाउस की तो यह बिल कैंसिल हो जाएगा सो so, लेट्स से कि उस दिन 400 लोग आए हंड्रेड लोग फोर फिफ्टी आए फोर फिफ्टी आए फोर फिफ्टी आए, आए तो फोर फिफ्टी का टू बाई थर्ड कितना है? 300. तो उस दिन 300 लोगों को वोट एक्स्ट्रा करनी पड़ेगी अगर तीन सौ लोगों की दोनों फिल है, 2 3 भी हो और टू हंड्रेड से चार सौ पचास लोग थे हाउस में लेकिन वोट की टू हंड्रेड नाइन लोगों ने so एक बात तो सही है कि 272 मेजॉरिटी ऑफ द हाउस ने तो कर दिया पर अभी भी टू बाई थर्ड प्रेजेंट और वोटिंग ने नहीं किया गेट दी आइडिया सिमिलरली स्पेशल मेजोरिटी से बिल पास होना चाहिए ईच हाउस सेपरेटली बिल पास करेगा अगर डिसएग्रीमेंट हो गया लोकसभा ने पास कर दिया राज्यसभा ने नहीं किया राज्यसभा ने पास कर दिया तो बिल खत्म हो जाएगा ज्वाइंट सिटिंग नहीं होगी नो प्रोविजन फॉर द ज्वाइंट सिटिंग बिल खत्म फिर वो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट नहीं होगी इफ द बिल सिक्स टू अमेंड दल प्रोविजन अब यह एक एक्स्ट्रा कंडीशन है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ ऐसी चीजें हैं जो स्टेट से रिलेटेड है फेडरल प्रोविजन है ठीक है अगर फेडरल प्रोविजन से रिलेटेड चीजें हैं तो ये बिल लोकसभा और राज्यसभा पास करेंगी उसके बाद एक एक्स्ट्रा कंडीशन है कि जैसे कि क्या नाम है दूसरे हाफ ऑफ द स्टेट्स को भी रेटिफाई करना पड़ेगा हाफ ऑफ द स्टेट्स को भी रेटिफाई करना पड़ेगा बाय अ सिंपल मेजोरिटी तो 28 स्टेट्स हैं तो 14 स्टेट्स को 14 स्टेट्स को 14 रेटिफाई करना पड़ेगा फोर्टीन स्टेट्स के लेजिस्लेचर में बिल जाएगा वहां पे जैसे कि हरियाणा के हरियाणा के पास गया हरियाणा में नब्बे एमएलए हैं तो उसके ऊपर वोट होगी सिंपल मेजोरिटी से वोट होगी 46 लोगों ने यस कर दिया तो हरियाणा ने रेटिफाई कर दिया कॉन्स्टिट्यूशन फिर उसी प्रकार से उत्तर प्रदेश में जाएगा अब उत्तर प्रदेश में 403 सौ तीन एमएलए है तो 403 में यहां पे बिल जाएगा सिंपल मेजोरिटी से यानी कि 202 लोगों से 202 लोगों ने अगर यस कर दिया तो बेसिकली बिल पास हो जाएगा और exactly नंबर भी नहीं चाहिए उस दिन अब में उस दिन दिन जैसे हरियाणा में है के ठीक लेकिन करो कि 80 80 आए थे सिर्फ 80 थे सिर्फ तो वोटिंग करी तो तो सिर्फ 41 लोगों ने भी वोट कर दिया तो वो बिल रेटिफाई हो जाएगा ऐसे चौदह मिनिमम रेटिफाई करना है तो वो कॉन्स्टिट्यूशन हो जाएगा ड्यूली पास बायसेज एंड रेटिफाइड लेजिस्लेचर जब जब जरूरी हो तो जैसे फंडामेंटल राइट्स को अमेंड कर रहे हैं तो उसमें स्टेट लेजिस्लेचर की परमिशन नहीं चाहिए पर कोई ऐसी चीज जिससे फेडरलिज्म पे इफेक्ट पड़ता है उसमें स्टेट लेजिस्लेचर की परमिशन चाहिए दोनों सिचुएशन में जब बिल पास हो जाता है तो बिल को बेसिकली प्रेजिडेंट के पास देते हैं असेंट के लिए प्रेजिडेंट मतलब है कि जब कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल प्रेजिडेंट के पास जाते हैं सो प्रेजिडेंट विल नॉट विदहोल्ड हिज और हर असेंट ना ही वो बिल वापस रिकंसिडरेशन के लिए भेजता है चौबीसवें कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट ने ये बात ऑब्लिगेटरी कर दी थी कि प्रेसिडेंट को जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल है उसके ऊपर मैंडेटोरली साइन करना ही पड़ता है उसके पास कोई चॉइस नहीं है एंड जैसे ही बिल प्रेजिडेंट साइन uh, करते हैं बिल जो है कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बन जाता है फ्रॉम देयर द कॉन्स्टिट्यूशन एक्चुअली दैट इज इट राइट अब देखो इसमें दो चीजें क्लैरिफाई करता हूं आर्टिकल 368 के अंदर दो प्रकार के अमेंडमेंट्स दे हैं। आर्टिकल 368 प्रोवाइड्स फॉर टू टाइप ऑफ अमेंडमेंट एक स्पेशल मेजोरिटी ऑफ पार्लियामेंट और एक स्पेशल मेजोरिटी प्लस रेटिफिकेशन ऑफ हाफ ऑफ द स्टेट्स ठीक है रेटिफिकेशन ऑफ ऑफ द स्टेट तो पहले वाली अमेंडमेंट ये दूसरे वाली अमेंडमेंट ये इसके अलावा ये दोनों दे रखे आर्टिकल नंबर थ्री हंड्रेड सिक्स में इसके अलावा एट सेवरल प्लेस पार्ली कॉन्स्टिट्यूशन अलाउज इट्स ओन अमेंडमेंट बाय अ सिंपल मेजोरिटी आल्सो कुछ और आर्टिकल हैं जहां पे अमेंडमेंट हो जाती है कॉन्स्टिट्यूशन की बाय अ सिंपल मेजोरिटी मतलब सिंपल मेजोरिटी का मतलब कि लोकसभा में जब वोटिंग होगी तो जितने लोग आए थे उसके अगर हाफ यस yes कर देंगे तो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड माना जाएगा नॉर्मल जो ऑर्डिनरी लेजिस्लेटिव प्रोसीजर होता है उसके हिसाब से नाउ दीज अमेंडमेंट्स जो ये ऑर्डिनरी लेजिस्लेटिव असेंबली ऑर्डिनरी प्रोसेस है या सिंपल मेजोरिटीज होती है इनको थ्री के अंडर अमेंडमेंट नहीं मानते मतलब है अमेंडमेंट ये बट 368 वाली नहीं मानेंगे सो जस्ट टू रियाइट कॉन्स्टिट्यूशन को तीन प्रकार से अमेंड किया जाता है ठीक है द फर्स्ट वन ज बाय सिंपल मेजोरिटी जैसे अगर आपको किसी स्टेट का नाम करना हो ठीक है ओडिशा का नाम ओडिशा करना था ठीक है ये हमें एक काम करना है ओडिशा और इसका नाम ओडिशा करना है ठीक है वी हैव टू डू दिस इसके लिए कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट होगी अब जो ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है आर्टिकल नंबर फोर में ये लिखा हुआ है कि इफ यू नीड टू डू दिस यू कैन डू इट बाय सिंपल मेजोरिटी तो उस पर आर्टिकल थ्री सिक्सटी अपलाई करने की जरूरत नहीं है एंड इट कैन बी डन फर्स्ट होगी एक अमेंडमेंट दूसरा अमेंडमेंट बाई स्पेशल मेजारिटी ऑफ पार्लियामेंट ठीक है

सिंपल मेजोरिटी से पार्लियामेंट में क्या क्या चेंज हो सकता है ठीक है जिसके ऊपर 368 लगता ही नहीं है सिर्फ और सिर्फ दो हाउसेज में सिंपल मेजॉरिटी से पास करना जैसे कि एडमिशन और एस्टेब्लिशमेंट ऑफ नए स्टेट नए स्टेट्स का है नाम बदलना है किसी चीज का फॉर्मेशन ऑफ द न्यू स्टेट्स ऑल्ट्रेशन अबॉलिशन और क्रिएटिव क्रिएशन ऑफ द लेजिस्लेटिव काउंसिल इन द स्टेट हमारे देश में छह स्टेट्स हैं जिनकी लेजिस्लेटिव काउंसिल भी है समझ रहे हो ना दो चीजें देखो स्टेट में क्या होता है स्टेट में होती है विधानसभा ठीक है स्टेट विधानसभा ये क्या होता है स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली इसको क्या कहते हैं असेंबली हर एक स्टेट में एक होती है विधानसभा या फिर लेजिस्लेटिव असेंबली इंग्लिश में लेजिस्लेटिव असेंबली कहते हैं बट हमारे देश में छह स्टेट बाई कैमरल लेजिस्लेचर है वहां पे विधानसभा के साथ साथ एक विधान परिषद भी होता है विधान परिषद यानी कि लेजिस्लेटिव काउंसिल भी होता है तो जो लेजिस्लेटिव काउंसिल है ये रिमूव किया जा सकता है या बनाया जा सकता है पार्लियामेंट बना देता है इसको सिंपल मेजोरिटी से ठीक है इसमें कोई ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी नहीं लगती सेकेंड शेड्यूल की एमोलमेंट्स प्रेजिडेंट गवर्नर स्पीकर जजेस के प्रिवलेजेज और उनको पैसे वैसे कितने देने हैं वो भी है उसके लिए बहुत ज़्यादा एफर्ट नहीं लगता सिंपल मेजॉरिटी से पार्लियामेंट में कोरम कि कितने आदमी पार्लियामेंट में आएंगे उससे पार्लियामेंट काम करेगा सैलरीज एंड अलाउेंसेज अगेन सैलरीज और अलाउेंसिस बढ़ाने के लिए खुद पार्लिया uh, कॉन्स्टिट्यूशन ने ज्यादा कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर नहीं रखा कि जल्दी से आसानी से बढ़ जाए तो बढ़िया रहेगा भाई सिंपल सिंपल यूज ऑफ इंग्लिश लैंग्वेजेज नंबर ऑफ प्यूनी जजेज इन सुप्रीम कोर्ट यूज ऑफ ऑफिशियल सिटीजनशिप एक्विजिशन एंड टर्मिनेशन द थिंग इज दैट की ये सारी की सारी चीजें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से होती हैं पर यह वाली कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट सिंपल मेजोरिटी से की जा सकती है इसके बाद और, और भी डीलिमिटेशन यूनियन टेरिटरीज फिफ्थ शेड्यूल सिक्स शेड्यूल ये वाली बता दो क्वेश्चन क्या आएगा यूपीएससी प्रीलिम्स में कि कौन सी चीज को कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट सिंपल मेजोरिटी से करती है कौन सी को स्पेशल से और कौन सी को स्पेशल प्लस स्टेट रेटिफिकेशन से और ये वाला आसान है स्पेशल मेजोरिटी से क्या क्या चेंज होता है स्पेशल मेजोरिटी से प्राइमरली दो चीजें चेंज होती है मोटा मोटी फंडामेंटल राइट और डीपीएसपी देखो मेजोरिटी ऑफ द प्रोविजन इन द कॉन्स्टिट्यूशन नीड्स टू बी अमेंडेड बाई अ स्पेशल मेजोरिटी और स्पेशल मेजॉरिटी क्या है एक तो पहले हाउस की मेजोरिटी चाहिए तो पांच मेंबर का हाउस है तो दो से ऊपर वोट चाहिए ही चाहिए सेकंड कंडीशन जितने लोग प्रेजेंट हैं और वोट कर रहे हैं उसका टू बाई थर्ड होना चाहिए तो साढ़े चार सौ लोग हैं तो तीन सौ से ऊपर वोट होनी चाहिए उस उससे ठीक है द एक्सप्रेशन टोटल मेंबरशिप मीन टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स द हाउस ऑफ फैक्ट आर वैकेंसीज और में फाइव हंड्रेड फोर्टी थ्री ही काउंट होंगे टोटल से होंगे ठीक है अच्छा स्ट्रिक्टली स्पीकिंग द स्पेशल मेजोरिटी इज रिक्वायर्ड ओनली इन दर्ड रीडिंग ऑफ द स्टेट थर्ड रीडिंग ऑफ द बिल पर कॉशन के तौर पर इट हैज प्रोवाइडेड फॉर इन रूल्स ऑफ द हाउसेज इन रिस्पेक्ट ऑफ ऑल इफेक्टिव स्टेजेस ऑफ द बिल अब ये तीन चीजें हैं फंडामेंटल राइट डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ द स्टेट पॉलिसी जिसको स्पेशल मेजोरिटी से अमेंड किया जाता है इसके अलावा अगर किसी चीज में सिंपल मेजोरिटी नहीं लिखा हुआ और किसी चीज में स्पेशल मेजोरिटी प्लस स्टेट नहीं लिखा हुआ तो वो भी स्पेशल स्पेशलिटी से होगी वो भी बहुत ज्यादा डिफिकल्ट सिंपल है इसमें वो, इस वो चीजें आती है जो कि आ, क्या कहते हैं फेडरल इश्यूज को हैंडल करती है जैसे कि इलेक्शन ऑफ द प्रेजिडेंट एंड इट्स मैनर प्रेजिडेंट के इलेक्शन में ना स्टेट्स भी वोट करती है स्टेट के एमएलए वो भी वोट करते हैं तो हैंस अगर उसमें चेंज होगा तो स्टेट की पावर पर भी कुछ ना कुछ फर्क पड़ेगा तो इसमें अगर चेंजेस करने हैं तो तुमको फंड स्पेशल मेजोरिटी तो करनी पड़ेगी साथ में स्टेट्स से भी परमिशन लेनी पड़ेगी एक्सटेंट ऑफ द एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ यूनियन एंड स्टेट्स अगेन फिर से उनका यूनियन का सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की पावर में कोई चेंज करोगे तो फिर स्टेट की रेटिफिकेशन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेजिस्लेटिव पावर बिटवीन यूनियन एंड स्टेट ये बेसिकली लिस्ट सेवेंथ के बारे में बात कर रही है सेवन शेड्यूल के बारे में नॉट लिस्ट के बारे में सेवन शेड्यूल के बारे में गुड्स एंड सर्विस टैक्स काउंसिल में कोई चेंज हो एनी लिस्ट ऑफ ऑफ द द द शेड्यूल रिप्रेजेंटेशन स्टेट्स इन पार्लियामेंट एंड आर्टिकल नंबर होनी आज के लेक्चर में से एक चीज याद करनी चाहते हो तो यही याद करोगे कि आर्टिकल थ्री सिक्सटी एट को अगर अमेंड करना हो तो कौन सी अमेंडमेंट लगेगी बल्कि well, सबसे डिफिकल्ट वाली स्पेशल मेजोरिटी प्लस रेटिफिकेशन बाई हाफ ऑफ द स्टेट्स नाउ इंटरेस्टिंगली देखो uh,

ज टू बी फॉर्म फॉर अमेंडिंग दूशन इंडिया में कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने की ही पावर पार्लियामेंट में ही दे रखी है और कुछ केसेस में स्टेट लेजिस्लेचर में भी है क्योंकि रेटिफाई करते हैं तो लेकिन एक सेपरेट कॉन्स्टिट्यूशन कन्वेंशन नहीं बन पाते हम ठीक है एक बाली बात दूसरा पावर टू इनिशिएट एन अमेंडमेंट इन कॉन्स्टिट्यूशन लाइज विद दार्लियामेंट ठीक है अनलाइक इन दू एस ए यूएसए में जरूरत पड़ने पर जो स्टेट्स हैं वो भी इनिशिएट कर सकती है अगर चाहे तो टू बा स्टेट लेजिस्लेचर कैन नॉट इनिशिएट एनी बिल और प्रपोजल फॉर अमेंडिंग पार्लियामेंट फॉर क्रिएशन और अबोल्यूशन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल यहां पर भी पार्लियामेंट अप्रूव डिसअप्रूव कर सकता है ऑन एक्शन रिपीट कर दो क्रिटिसिज्म एक, एक है हमारी जो अमेंडमेंट है कॉन्स्टिट्यूशन का कि यूएसए में क्या होता है कि चाहे तो स्टेट लेजिस्लेचर टुगेदर आते हैं एंड दे कैन प्रपोज अ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इंडिया दिस ड में कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट स्टेट क्या नाम है बिगिन नहीं कर सकता है एक करता है किसी स्टेट को अपनी खुद की लेजिस्लेटिव काउंसिल बनवानी हो तो वो प्रोसेस बेसिकली स्टेट खुद बिगिन कर देता है लेकिन अगेन यहां पर भी जो फुल पावर है पार्लियामेंट के पास है लाइक दे कैन दे कैन रिजेक्टेड इफ दे वॉन्ट ठीक है तो मतलब स्टेट के पास कोई कॉन्स्टिट्यूशनलेंट पावर खास है नहीं ठीक है इन यूएसएन अमेंडमेंट कैन बी प्रपोज बायूशनल कन्वेंशन ऑन द पेटिशन ऑफ टू थर्ड ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर तो वहां पर स्टेट लेजिस्लेचर चाहें तो बेसिकली बिगिन कर सकते हैं मुद्दों का ठीक है मेजर पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन सिर्फ पार्लियामेंट ही अमेंड करता है सिंपल मेजोरिटी से कर देता है इवन uh, मतलब स्टेट का कोई लेना देना नहीं स्टेट सिर्फ उन छह सात चीजों में तो आती है जिसमें फेडरल इशूज को हैंडल करना होता है वहां पर यूएसए में हर एक अमेंडमेंट को स्टेट का रेटिफिकेशन चाहिए एवरी अमेंडमेंट इज हैज ए रेटिफिकेशन फॉर द स्टेट ओके दैट इज इट कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट प्रिस्क्राइब द टाइम फ्रेम विद इन विच द स्टेट लेजिस्लेचर शुड रेडिफाई ऐसी कोई है नहीं खैर वे तो ये यूएसए भी नहीं करता है टेक्निकली बता देता हूं चलो इट इज साइलेंट ऑन द इशू वेयर द स्टेट्स कैन विद ड्रॉ डेयर अप्रूवल आफ्टर अकॉर्डिंग द सेम ओके दैट इज नॉट गिवन सिटिंग नहीं बना है हम ऑब्वियसली कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट को पास करने के लिए फाइन और बाकी कोई खास डिफरेंस नहीं है

रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन इज नो यूज आई थिंक वी वी फिगर इट आउट आई थिंक वी डीड इज गुड ऑनेस्टली स्पींग फॉर ऑल फॉर ऑल कॉनेस्टी पंडित जवाहरलाल नेहरू जी कह रहे थे कि हम इस कॉन्स्टिट्यूशन को सॉलिड और परमानेंट तो बनाना चाहते हैं परंतु देखिए संविधानों में कोई प्रकार की परमानेंस नहीं होती है एक प्रकार से फ्लेक्सीबिलिटी भी चाहिए अगर हम परमानेंट और रिजिड देखिए वही वाली बात है कि जो अकड़ा हुआ पेड़ होता है ना वो बेसिकली आंधी में गिर जाता है और जो अच्छा हुआ बरगद होता है जो कि फ्लेक्सीबल बरगद होता है वही बेसिकली सर्वाइव करता है द आइडिया इज दट एनी थिंग एनी थिंग फ्रेंड एनी थिंग फ्रेंड

हो सकता है हमारी जो सोच है वो उस समय वी ऑल आर लिमिटेड आवर ओन टाइम हमारी जो इमेजिनेशन है थॉट है आइडियोलॉजी है कैन नॉट एक्चुअली क्रॉस द टाइम्स वी लिव इन टू तो वाई शेल शुड वी बी वॉन्ट टू डिसाइड अबाउट समबडी एल्स नेक्स्ट फ्यूचर लाइफ के लिए आई थिंक वेट वॉज अ वेरी स्मार्ट थिंग टू डू वोड यू थिंक शुड द प्रोसीजर शुड लाइक देर आर नो यूनिवर्सल लॉज राइट मतलब ऐसा कोई प्रिंसिपल थोड़ी ना जो यूनिवर्सली ही सच रहेगा सो

अब क्या होता है कि कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने की पावर आ गई पार्लियामेंट के पास न पार्लियामेंट uh, uh, के पास पावर है कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने की और जुडिशरी के पास पावर है इसको इंटरप्रेट करने की जुडिशरी का काम है कॉन्स्टिट्यूशन को प्रोटेक्ट करना और पार्लियामेंट के पास पावर है उसको अमेंड करने की सो पार्लियामेंट बाय द नेचर उसको अमेंड करने की पावर को बढ़ाएगा और जुडिशरी बाय द नेचर ऑफ प्रोटेक्टिंग इट पार्लियामेंट की पावर को रिस्ट्रिक्ट करेगा इन दिन इन पहले तेईस सालों में ना पार्लियामेंट और जुडिशरी के बीच में एक काइंड ऑफ टू एंड फ्रो का गेम चला पार्लियामेंट यूज टू तो टेक स्टेप्स जिससे उनकी अमेंडमेंट पावर बढ़ जाए एंड जुडिशरी किसी न किसी प्रकार से कभी उसको बढ़ा देती थी कभी उसको रिस्ट्रिक्ट कर देती थी एक्चुअली केम टू कंक्लूजन इन 1973 जिसको कहते हैं केशव नंद भारती केस ये जो सारे के सारा जो डिबेट है वो इस बात पे है कि पार्लियामेंट कितना अमेंड कर सकता है कॉन्स्टिट्यूशन को एन आई टेल यू हाउ इट बिगेन इट बिगेडी हंड्रेड फिफ्टी वन में पार्लियामेंट ने सॉरी सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पार्लियामेंट के पास कंप्लीट पावर है फंडामेंटल राइट को अमेंड करने की एवरीबडी वॉज हैप्पी सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया था कि फंडामेंटल राइट्स अमेंड हो सकती है पार्लियामेंट खुश था न पार्लियामेंट के पास फुल पावर है कुछ भी अमेंड करने की सो दे आर सेटल सेटल वो होने कोई मुद्दा नहीं है बट 1967 में सुप्रीम कोर्ट ने अपना पुराना चेंज कर दिया इज पार्लियामेंट कैन नॉट अमेंड देंटल राइट उसके बाद एक फाइट होती है कि फिर पार्लियामेंट कुछ अमेंडमेंट करता है कॉन्स्टिट्यूशन में और वो अमेंडमेंट क्या थी कि हमारे पास राइट है फंडामेंटल राइट्स को अमेंड करने की ये सारी की सारी डिबेट जो है वो केशवनंद भारती केस में पहुंच गई केशवनंद भारती केस में सुप्रीम कोर्ट ने लाइक जीनियस जीनियस सॉल्यूशन मारा देखो जीनियस सॉल्यूशन वो होता है जहां पे तुम्हें सामने वाले की प्रॉब्लम पता हो तुम्हें पता है कि ये एक नहीं मानेगा कभी भी लेकिन उसके बावजूद भी कुछ ऐसा कह दो कि सामने वाले के पास कोई जवाब ही ना हो कि क्या करे क्या नहीं करे आई टेल यूल यून एक मूवी ओके प्यारी सी मूवी है उसका नाम है शेंडलर लिस्ट

एक, हैन जो है, एक एक, हैन हैन जो है है हो जाती तो वो क्या करता है वो अप्रॉक्सिमेटली पच्चीस लोगों को लाइन से लगा देता है और अब वो पूछ रहा है कि किसने एक एग था अंडा जो था वो चोरी किया नाउ द थिंग इज दैट कि जो भी दैट पर्सन इज स्टेडियज तो उसको जवाब नहीं चाहिए ही ही इज इज जस्ट टॉर्चरिंग द पीपल गोइंग टू किल ऑल ऑफ देम मतलब कि हमें पता है क्योंकि हमने मूवी में देखा है कि पहले उसने कईयों को ऐसे ही मारा है तो नाउ

सामने आता है बोले बताओ किसने मारा एंड ही पॉइंट्स आउट टू द पर्सन हु वाज डेड के उसने मारा नाउ इमेजिन व्हाट हैपेंड ये दैट इज सच अ जीनियस आंसर कि अब कोई कुछ नहीं कर सकता वो इंडिविजुअल आया है 25 लोगों को मारने के लिए हिज सेडिस्ट इज टॉर्चरिंग देम ही इज गोइंग टू किल ऑल ऑफ देम ऑन द प्रीटेक्स्ट कि किसने अंडा चुराया अब अंडा किसी ने नहीं चुराया तो कोई किसी का नाम ही नहीं ले सकता

Schindler's list is it's called as. Now the thing is that similarly जो basic structure of the constitution है केशवनंद भारती के इसमें इसी प्रकार लेवल, लेवल की ना एक super level amazing level की novelty थी constitution जो constitution में introduce की supreme court ने what they did was that कि they said कि parliament can amend anything in the constitution which is what the parliament wanted उनको चाहिए यही था वरना वो amendment करते रहते जब तक तो उनको ये नहीं मिलेगा but उसके बाद उन्होंने condition लगा दी what कहते कि

लाइक like, uh, आपके पापा आपको आपकी गाड़ी देते हैं अपनी अपनी पापा की जो गाड़ी है वो आपको देते हैं अब आप उसको चेंज करवाना चाहते हो उसमें कुछ चेंजेस कराना चाहते हो पापा कहते हैं कि चेंज करवा लो कितने भी चेंज करा लो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है पर ऐसा कोई चेंज मत कराना कि मेरी गाड़ी पहचान में ही ना आए इसके अंदर का जो बेस है एग्जाम्पल के तौर पर अब आपके आप कहेंगे कि पापा टायर चेंज करा लो पापा विल बिल्कुल ओके पापा सीट कवर चेंज करा लो पापा कहेंगे ओके पापा कुछ नया म्यूजिक सिस्टम लगा लूँ कहेंगे ओके पापा इसका इंजन चेंज करा लो

सुप्रीम कोर्ट ने सिंपल बोला कि ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है फिर वो मैटर सेटल हो गया so, क्या है? मैं इन सारे केसेस सारे के याद करना है इसका ले शंकर केस, केस, फिर गोलकनाथ फिर चौबीस पच्चीसवीं अमेंडमेंट फिर केशवनंद भारती केस और उसके बाद फोर्टी अमेंडमेंट केस और लास्ट वाला हो गया मिनरवा मिल केस शंकरी प्रसाद केस में सुप्रीम कोर्ट कहता है कि फंडामेंटल राइट्स को अमेंड किया जा सकता है लेकिन गोलकनाथ केस में सुप्रीम कोर्ट उस जजमेंट को बदल देता है पार्लियामेंट चौबीसवीं और पच्चीसवीं अमेंडमेंट एड करता है ताकि बेसिकली ए, उसके पास पावर आ जाए फंडामेंटल राइट्स को अमेंड करने के लिए अब क्या था चौबीसवा अमेंडमेंट चौबीसवा अमेंडमेंट है 36, 368, 1 और 368, 3 को ऐड करना यही है चौबीसवा अमेंडमेंट उसको ये दोनों की दो, ये चैलेंज होती है केशवनंद भारती केस में सुप्रीम कोर्ट बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्टर को इंट्रोड्यूस करता है ध्यान से सुनो फंडामेंटल राइट अमेंड की जा सकती है या नहीं की जा सकती है केम फॉर कंसिडरेशन विदिन अयर When the came into force. पहला मुद्दा सबसे पहले यही उठ गया था तो उन्नीस सौ इक्यावन में शंकरी प्रसाद केस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट चेक कर रहा था फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट की जिससे बेसिकली राइट टू प्रॉपर्टी को करटेल किया गया था इस चीज को चैलेंज कर दिया गया वट हैपन हमारा जब कॉन्स्टिट्यूशन बना नया पार्लियामेंट बना दिया गया उसके बेसिस पर इलेक्शन विलेक्शन हुए थिंग वॉज दैट की एट दैट टाइम द गवर्नमेंट वॉन्टेड फार्म रिफॉर्म्स करने थे एग्रीकल्चरल रिफॉर्म्स करने थे Now उसके लिए कभी कभी हमें प्रॉपर्टी कैप्चर करनी पड़ती थी अमीर लैंड लॉर्ड से सो राइट टू प्रॉपर्टी एक फंडामेंटल राइट right था सो फर्स्ट अमेंडमेंट की कॉन्स्टिट्यूशन में क्या किया फर्स्ट अमेंडमेंट में उन्होंने नाइन्थ शेड्यूल एड कर दिया एंड वट दार्लियामेंट सेट एट दैट टाइम कि नाइन्थ शेड्यूल में जो लॉ है उसको बेसिकली कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जा सकता राइट right?

इसका मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट नहीं होता है तो पार्लियामेंट चाहे तो किसी भी चीज को अब्रिज कर सकता है और फंडामेंटल राइट्स को चाहे तो बेसिकली ले भी सकता है right? राइट सज्जन सिंह केस में सुप्रीम कोर्ट ने इसी चीज को दोबारा से रियफर्म किया कोई बड़ी बात नहीं उन्होंने तो कहा नहीं माना जाएगा ट इज जस्ट अ लीगल टर्मिनोलॉजी टू से आर्टिकल थ्री सिक्सटी एट के अकॉर्डिंग अगर अमेंडमेंट की जाती है सो टेक्निकलीट कैन वॉयलेट अ फंडामेंटल राइट लखीली गोलकनाथ केस उन्नीस सौ सड़सठ में सुप्रीम कोर्ट ने अपने पुराने स्टैंड को रिवर्स कर दिया इन्होंने कहा अब एट दट टाइम सेवनटींथ कॉन्स्टिट्यूशन अमेन्डमेंट इंट्रोड्यूस हुआ था वो बेसिकली सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज हो गया था सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि फंडामेंटल राइट आर सेक्रोसेंट

पार्लियामेंट ने क्या किया पार्लियामेंट ने ट्वेंटी अमेंडमेंट एक्ट एड किया दो चेंजेस किए हैं। 368 के अंदर और कर दिया। one में लिखा हुआ है कि पार्लियामेंट के पास सारी पावर है और में लिखा हुआ है आर्टिकल थर्टीन भी अमेंड किया था, 13 में किया था 13 अगर 13 अभी खोल के देखोगे तो उसमें लॉ ये दोनों की दोनों चीजें दो जगह पर लिख दी डिक्लेयर हैज पावर टूबरिज एनी चीज फिर दोबारा से चैलेंज कर दी गई भारती, भारती केस में। अब यहां पर केशवनंद भारती केस में गोलकनाथ केस की जजमेंट को भी ओवर रूल कर दिया यहां किया तो गोलकनाथ कहती है कि फंडामेंटल राइट्स को अमेंड नहीं कर सकते लेकिन केशवनंद भारती केस कहता है कि कर सकते हैं कर सकते हैं फंडामेंटल राइट्स को इसने कहा कि ट्वेंटी फोर्थ अमेंडमेंट एक्ट वैलिड है और देखो 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 यहां पे स्मार्टनेस देखो, देखो, अगर इसको हम अनकॉन्स्टिट्यूशनल कर देते तो पार्लियामेंट फिर कुछ और करता करता तो पार्लियामेंट को शांत करने के लिए बोला कि चलो ठीक है मान लिया एट वन और थ्री और थ्री वैलिड है डन कर दिया ठीक है पार्लियामेंट आपके पास पावर है किसी भी फंडामेंटल राइट्स को हटाने की या चेंज करने की पार्ट थ्री पार्ट थ्री में चेंज करना चाहते हो ना तुम यही तुम्हारी इच्छा है ना डन गुड फॉर यू बट नाउ रिमेंबर द गवर्नमेंट वाज़ वेरी चेंज इन सुप्रीम कोर्ट देन सडनलीपन वेल यू कैन डू एनी चेंज इन दूशन बट यू कैन नॉट चेंज द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बेचारा बेचारा पार्लियामेंट जो था उसके ना उसको सिर्फ और सिर्फ पार्ट थ्री में प्रॉब्लम थी चेंज करने में ठीक है बाकी कुछ भी चेंज करने के लिए बोल रहा था सुप्रीम कोर्ट कि कर लो कुछ भी बाकी हम कभी मना नहीं करेंगे अब बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्टरी से दे द होल कॉन्स्टिट्यूशन तो सुप्रीम कोर्ट की स्टेटमेंट क्या है के भारती केस में यू कैन अमेंड एनीथिंग इन द कॉन्स्टिट्यूशन एनीथिंग इंक्लूडिंग द फंडामेंटल राइट और प्रीएम्बल और डीपीएसपी ओके नाइस बट यू कैन नॉट अमेंड द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द होल कॉन्स्टिट्यूशन

चेंज एट उसको तुम हटा नहीं सकते हो विच इज अ बेसिक फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन सो अपना खुद का पुराना मायाजाल जो बेसिक स्ट्रक्चर के डॉक्टरीन में बिछाया था सुप्रीम कोर्ट ने उसी को यूज करते हुए आर्टिकल थ्री सिक्सटी एट फोर और फाइव को अनकॉन्स्टिट्यूशन डिक्लेयर करके चिल हो चिल्लोग अकॉर्डिंग टू सुप्रीम कोर्ट कॉन्स्टिट्यूशन जब बना है वो अपने आप को बदलने की पावर दे रहा है परंतु अपने आप को मिटाने की पावर नहीं देता दिस इज गुड दिस वेरी गुड थिंक हार्ड इट मतलब अगर आप मेरी गाड़ी लेके जाते हो सो आई वॉन्ट यू टू यूज इट बट आई जस्ट टू मेक इट परमानेंटली बदलने के लिए थोड़ी ना दे रहा हूँ टेक इट सेंस तो ठीक है कन्फोर्ट पार्लियामेंट कैन नॉट ये लिमिटेड पावर जो मिली है इसको कंप्लीटली एब्सुल्यूट नहीं कर सकता पावर इज वन ऑफ द बेसिक फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन तो उसको हटा नहीं सकते पार्लियामेंट अंडर आर्टिकल 368 एक्सपेंड नहीं कर सकता है, पावर नहीं बना सकता है, ही पावर है। फिर वामन राव केस था, सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि बेसिक स्ट्रक्चर है बिल्कुल क्लैरिटीफाई है एंड इट वुड अप्लाई टू कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट इनेक्टेड आफ्टर अप्रैल 24, 1973. तो अप्रैल 24, 1973 के बाद जो भी कोई कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुई है उसमें केशवानंद भारती केस

सेक्युलर कैरेक्टर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन तो ये सुप्रीम कोर्ट ने एक केस में बता दिया कि कॉन्स्टिट्यूशन सेक्युलर है सो नाउ द बिकम्स द बेसिक स्ट्रक्चर बेसिक स्ट्रक्चर बन गया अब उसको बेसिकली चेंज नहीं कर सकते उसी प्रकार से द फेडरल कैरेक्टर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन तो अब कॉन्स्टिट्यूशन को यूनिट्री नहीं बना सकते क्यों क्योंकि फेडरलिज्म जो है वो बेसिकली बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है और यह आपको याद करना पड़ेगा कि कॉन्स्टिट्यूशन ने सुप्रीम कोर्ट ने किस किस चीज को बेसिक बेसिक फीचर या बेसिक स्ट्रक्चर डिक्लेयर किया हुआ है सीऑफ दूसअर सॉवर डेमोक्रेटिकन ऑफ दिट्यून बेसिक स्ट्रक्चर की जुडिशियल नहीं कर सकते जुडिशियल रिव्यू का क्या मतलब होता है कभी कभी पार्लियामेंट क्या करता है ऐसा कुछ लिखने की कोशिश करता है कॉन्स्टिट्यूशन में दिस कैन नॉट बी क्वेश्चन इन द कोर्ट ऑफ लॉ ऐसा लिखने की कोशिश करता है सुप्रीम कोर्ट इमीजिएटली बोलता है जुडिशियल रिव्यू

केशवनंद भारती वाला केस सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन रिपब्लिक सेक्युलर सॉवरनिटी मैंडेट टू बिल्ड अ वेलफेयर स्टेट पार्लियामेंट्री सिस्टम नौ चीजों को बेसिक स्ट्रक्चर का डॉक्ट्रिन का पार्ट बता दिया था फिर अलग अलग केसेस में अलग अलग चीजों को बता रखा है पढ़ लीजिएगा